ये पेशेंट है बिहार से हैं, जिनकी उंगली ऐसे बुरी हुई थी, जो अभी हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, और आज हमने इनका ऑपरेशन कर दिया है। तो ये बता मेरे को, ऑपरेशन में कोई दर्द हुआ? नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ? पक्का ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता? ऑपरेशन के बाद जब हमने एक्सरसाइज बताई है, तो वो एक्सरसाइज करोगे तो बेटर होने के चांसेस हैं, और अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगी तो ठीक होएगा? एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन सहन करने लायक है। एक्सरसाइज करके दिखा, कैसे एक्सरसाइज करेगा जरा हमारे लिए, करके दिखा। कल ऑपरेशन हुआ है? कल ही हुआ ना? हाँ, फुल स्ट्रेट कर, दर्द हो रहा है इसको, लेकिन फिर भी चेहरे पे स्माइल है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है दर्द के साथ चेहरे पे स्माइल है और एक्सरसाइज कर रहा है, तो 99% ठीक हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 6 से 8 महीने। अगर हमेशा नहीं सर अभी नहीं करूँगा मैं, सर नहीं सर अभी नहीं, सर सर अभी तो ऑपरेशन हुआ है, सर ये होगा, तो कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, हाथ को ऊपर रखना है, और ये एक्सरसाइज जो जो प्रॉब्लम थी ना वो पूरी स्ट्रेट करना है, बस यही मेन प्रोसेस है। ये पूरा यहाँ पे ले लिया, ये पूरा स्ट्रेट कर लिया, ये पूरा स्ट्रेट कर लिया, फिर इसको स्ट्रेट कर कर फिर छोड़ना है, और देखो ब्रेन को बोलना है कि नहीं, कि नहीं, कि नहीं, समझ गया। यही एक एक्सरसाइज करनी है सुबह शाम दोपहर रात जब भी फर्स्ट टाइम। ये पेशेंट है, इनके दोनों हाथ अच्छे हैं, आज ये रेडी हो गया है। कुछ टाइम पहले बनाया था तभी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन आज इसको बात समझ में आ गई है कि ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि मैं इससे कभी भी कितना भी वेट उठा लूँ मुझे दिक्कत ना हो, और जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद सेकंड टाइम दोनों हाथ इसके रोबोट जैसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं हिलेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे किसी को भी मारेगा उसी को चोट लगेगी, किसी को कभी नहीं लगेगी। लेकिन आज अगर किसी को भी ऐसे करके जरा सा भी ऐसे किसी को पंच किया तो दर्द उसको नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इसको होगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब आज के बाद ऑपरेशन जब पंच मारेगा तो दर्द दूसरे वाले को होगा, इसको नहीं होगा। ठीक है, ये पेशेंट है, इसको इन सब थोड़ा फिर ये जो पेशेंट है उनको ये सबसे सीवियर केस है, और सबसे अच्छी बात ये है कि दोबारा मेरे पास आया है, और तीसरा ऑपरेशन करो, दूसरे ऑपरेशन में इसका ट्रीटमेंट फाइनल है, इसके बाद इसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा। और इनका ब्रेकियल ब्रेसिस का पेशेंट था, जो ये सबसे अच्छी बात है, इसका ये मुझे लग गया मोड़ो, और इतनी अच्छी डोले मैंने आज तक किसी पेशेंट के नहीं देखे। ये देख रहे हैं, ये देखो ऐसे मोटू सा डोला बन गया है। तो आज इनका हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से आज से 5-6 महीने बाद ये बाइक वाइक और कोई भी इसकी पावर की प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। सेटिस्फाइड है ना? ठीक है, ये मध्य प्रदेश से आए पेशेंट, इनके यहाँ पे चोट लगी थी, जैसे ब्रेकर प्लेक्सिस यहाँ पर होता है, इनकी यहाँ की सारी नसें अलग थी, इनको किसी भी उंगली में जो भी पता चलता है बहुत ही कम पता चलता है, उंगली में कोई मूवमेंट नहीं था। आज जो इनकी पोजीशन है, फिंगर पहले से बेटर है, फिंगर की पोजीशन देखोगे पहले से बेटर है, पहले ये ऐसे रहती थी और अंगूठा ऐसे रहता था, अंगूठे को हमने प्लास्टर में रख रखा है, ये ऐसे मोड़ लिया, ये उंगली को ऐसे मोड़ लिया। अभी पहला ऑपरेशन हुआ है, फिर 2-3 महीने बाद दूसरे तीसरे ऑपरेशन करेंगे, और वो लेकिन पहले हमारा मेन काम क्या है कि ये उंगलियाँ ऐसे ऐसे पकड़ने लगे, जब ये पकड़ने लग जाएंगे फिर हम इनका ये वाला ऑपरेशन करेंगे। आप सेटिस्फाइड हो सर आपसे? कंफ्यूजन तो नहीं, पक्का श्योर? ठीक है, ये पेशेंट और ये पेशेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, इनका एक्सरे और इनका एक्सरे देखते हैं तो इनका एक्सरे ज़्यादा बेकार है इनसे। इनको पूछते हैं कोई दर्द हो रहा है, कोई दर्द नहीं, इनको पूछते हैं कोई दर्द हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है। इनको दर्द कब होता है? जब किसी सामान को उठाते हैं तब दर्द होता है। इनको भी दर्द कब होता है? जब सामान उठाते हैं तब दर्द होता है, कुछ टाइम बाद। जैसी अभी तो ये गिलास उठाने में दर्द नहीं हो रहा, अभी तक को थोड़ा हैवी जग उठाने में दर्द होता है, फिर कुछ टाइम बाद गिलास उठाने में दर्द होने लगेगा। तो इनका ऑपरेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इनका काम है हैवी वेट उठाने का, वो उठाने का। ठीक है,